दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञान भंडार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे कोरोना से बचने के लिए फेफड़ों को कैसे बनाएं मजबूत। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे आगे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। कोरोना वायरस COVID-19 से फेफड़े सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। फेफड़े हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। हम सांस के माध्यम से ऑक्सीजन लेते हैं, ये हमारे शरीर की प्राण वायु है। हमें ऑक्सीजन सुचारू रूप से मिलती रहे, इसके लिए जरूरी है कि हमारे फेफड़े स्वस्थ और मजबूत रहें। बेहतर खानपान से फेफड़ों को स्वस्थ रखा जा सकता है। विटामिन सी युक्त भोजन व खट्टे फल, नींबू, संतरा, मौसमी आदि का सेवन करें। भोजन में सभी प्रकार की दालों को शामिल करें। फेफड़ों में संक्रमण हो तो प्रोटीन युक्त डाइट लें, इससे फेफड़ों में हुई क्षति जल्दी ठीक होगी। प्रोटीन डाइट में सोयाबीन, अंडा, पनीर, दूध आदि का सेवन करें। दिन में करीब 3 लीटर तक पानी पिएं। टमाटर, गाजर, पपीता, तरबूज, शकरकंद आदि का सेवन करें। रोजाना 1 से 2 तुलसी की पत्तियों का सेवन करें, इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी। लहसुन का सेवन जरूर शामिल करें। इसमें पाया जाने वाला एलिसिन तत्व इन्फेक्शन से लड़ने, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और फेफड़े स्वस्थ रखने में कारगर है। फेफड़ों से संबंधित किसी तरह की परेशानी है तो बहुत खट्टे या ठंडी चीजों का सेवन न करें। तेज मसालेदार भोजन और तला भुना न खाएं, इससे एसिडिटी होगी, ये फेफड़ों के लिए बहुत नुकसानदायक है। बासी भोजन फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है और इससे पाचन तंत्र भी बिगड़ता है। अधिक ठंडी तासीर वाली चीजों का सेवन न करें। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कोरोना वायरस से बचाव के साथ साथ फेफड़ों को मजबूत करने के लिए क्या खाएं क्या ना खाएं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो लाते रहे। धन्यवाद दोस्तों।